नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बुलाई आपात बैठक, सीएस डीजीपी सहित आला अधिकारी किए गए तलब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक का समय 5 बजे तय किया गया था। बैठक में ममता राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तलब किया गया है। बैठक में ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा के बारे में चर्चा की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हिंसा और हत्याएं बेरोक टोक जारी है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। वहीं दोस्तों बंगाल सरकार नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर को सुरक्षा प्रदान कर रही है। आरओ के घर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह कार्यवाही इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक दिन पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि नंदीग्राम के आरओ को हत्या की धमकी मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, ऑक्सीजन की कमी पर कहा, आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं लेकिन हम नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच कई अस्पताल अब भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। इसी बीच आज एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र से कारण बताने को कहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं कर पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए केंद्र से कहा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र की दलील को खारिज कर दिया कि मौजूदा चिकित्सकीय ढांचे को देखते हुए दिल्ली 700 मैट्रिक टन चिकित्सकीय ऑक्सीजन की हकदार नहीं है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 30 अप्रैल का आदेश दिखाता है कि उसने केंद्र को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया, ना कि महज 490 मैट्रिक टन। अदालत ने कहा कि हम हर दिन इस खौफनाक हकीकत को देख रहे हैं कि लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं। कम गैस आपूर्ति के कारण बेड की संख्या घटा दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा पर कंगना ने ममता के लिए कहा था कि वह रावण नहीं खून की प्यासी ताड़का है। जी हां दोस्तों, ट्विटर ने अभिनेत्री कंगना रानावत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर का कहना है कि कंगना ने नियम तोड़े हैं। कंगना ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, साथ ही केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। उन्होंने बीजेपी की महिला नेता की फोटो शेयर कर यह दावा भी किया था कि टीएमसी के लोगों ने उसका गैंगरेप किया है। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा पर कंगना ने एक ट्वीट में ममता बनर्जी की तुलना ताड़का से करते हुए लिखा था कि मैं गलत थी, वह रावण नहीं है, वह तो सबसे अच्छा राजा था जिसने दुनिया का सबसे संपन्न देश बनाया। वह ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, स्कॉलर और वीणा वादक था। वह तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़िका है, जिन्होंने उसे वोट दिया, तुम्हारे हाथ भी खून से सने हुए हैं। ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में कंगना रोती हुई नजर आई। वह कह रही थी कि दोस्तों हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं, लोगों के मर्डर हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है और कोई भी लिबरल कुछ नहीं बोल रहा है। कंगना ने वीडियो में कहा कि यह बहुत ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही है। अपनी सरकार जिसकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूं, उनसे कहना चाहती हूं कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हूं। जो वहां पे खून की नदियां बह रही है, तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं, क्यों डर रहे हैं देशद्रोहियों से? इतना देशद्रोही यह देश चलाएंगे क्या? इतना ही नहीं, कंगना रानावत ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सन 2000 वाला रौद्र रूप अपनाए। यहाँ पर कंगना का सीधा सीधा मतलब गुजरात वाले रूप से था। इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने कंगना रानावत का ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की काशी में बीजेपी को करारा झटका। बनारस में जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों में बीजेपी महज 7 पर जीती, 14 पर सपा ने जमाया कब्जा।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस यानी कि वाराणसी में उनकी पार्टी भाजपा पूरी तरह से पिछड़ती दिख रही है। यहाँ जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों में से 39 पर चुनाव हुए। एक सीट पर प्रत्याशी की मौत के चलते चुनाव स्थगित हो गए थे। अब तक 26 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा मात्र 7 सीट जीत सकी है, वहीं 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। दोस्तों कमोपेश ऐसा ही हाल अयोध्या का है। वहीं मथुरा में मायावती की पार्टी बसपा ने भाजपा को पछाड़ दिया है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हुए इस पंचायत चुनाव को सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 4 पद जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के लिए चुनाव हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में पहली बार जानवरों में मिला कोरोना वायरस। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेर कोरोना से हुए पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, जानवरों में कोरोना वायरस फैलने की खबरें सामने आ रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 एशियाई शेरों में कोरोना वायरस मिला है। डॉक्टरों ने इन 8 शेरों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्वारंटीन कर दिया है। दोस्तों जूलॉजिकल पार्क के अधिकारियों को मौखिक बताया गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में 8 शेर पॉजिटिव मिले हैं, इन्हें अलग रखा गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि इन शेरों में कोरोना के लक्षण भी दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में लग सकता है 15 दिन का लॉकडाउन, केट ने की केंद्र सरकार से मांग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी समय अवधि में कोरोना से 3,450 लोगों की मौत हो गई है। इस आंकड़े के साथ ही अब तक देश में कोरोना से कुल मामलों में 2,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए देश में एक बार फिर लॉकडाउन की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। व्यापारी संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने कहा है कि कोविड के कारण बुरी तरह से हताहत व्यापार व अर्थव्यवस्था और कोविड-19 की वजह से मरते लोगों के बीच अब केंद्र सरकार को तय करना चाहिए कि क्या जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, भारत ही नहीं कई विकासशील देशों को गिरफ्त में ले रहा है कोरोना। दोस्तों भारत इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रहा है। रोज नए मामलों का आंकड़ा रिकॉर्ड बना रहा है। अस्पताल भरे हुए हैं तो मरीज ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कोरोना की जबरदस्त चपेट में भले ही हो, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे विकासशील देश हैं जिनमें संक्रमण बुरी तरह से फैल रहा है। रिपोर्ट्स में लाओस, थाईलैंड, भूटान और नेपाल जैसे देशों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ एक सप्ताह के भीतर लाओस में कोरोना के नए मामले 200 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल उपकरणों के लिए मदद मांगी है। इसी तरह नेपाल में इस वक्त अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे हुए हैं और ऑक्सीजन सप्लाई की जबरदस्त कमी है। लोगों को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसी ही हालत थाईलैंड में भी बनी हुई है, जहां करीब 98% केस कोरोना के नए संक्रामक स्ट्रेन के हैं। माना जा रहा है कि यह संक्रामक स्ट्रेन देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बेहताशा वृद्धि कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार पूनावाला ब्रिटेन में करेंगे 2,457 करोड़ रुपए का निवेश, वैक्सीन के लिए पहले चरण का ट्रायल भी हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए ब्रिटेन में 24 करोड़ पाउंड यानी कि करीब 2,457 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन में एक नया सेल्स ऑफिस खोलेगा, जिससे बड़ी संख्या में ब्रिटेन में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 1 अरब पाउंड की भारत ब्रिटेन ट्रेड प्रमोशन पार्टनरशिप के तहत यह घोषणा की है, जिससे ब्रिटेन में करीब 6,500 नई नौकरियां तैयार होंगी। पुणे स्थित वैक्सीन विनिर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ही लगभग 20 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवा, बायोटेक और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश करने की घोषणा की है। यह भी पता चला है कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए ब्रिटेन में पहले चरण का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की योजनाओं के बारे में कहा कि सेल्स ऑफिस से 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नया व्यापार तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव खत्म होते ही हुई महंगाई शुरू। एमपी राजस्थान में 101 रुपए हुआ पेट्रोल। इस साल पेट्रोल के दाम 27 बार बढ़ाए गए। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आते ही सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में मंगलवार को 15 पैसे और डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 90.55 रुपए और डीजल 80.91 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। आज दोस्तों 18 दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश
प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है और जब भी चुनाव आते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हो जाती है और चुनाव खत्म होते ही एकदम से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2021 में अब तक 27 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और महज 5 बार घटाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 15,36,32,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 32 लाख के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में 3,24,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,02,82,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 2,22,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक प्रभाव महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 47,71,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2021 पर कहर बनकर टूटा कोरोना वायरस, पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ी और टूर्नामेंट हो गया रद्द। जी हाँ दोस्तों, भारत इस वक्त कोरोना वायरस के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना का असर खेल जगत पर भी पड़ रहा है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को अगला ऑर्डर आने तक स्थगित कर दिया है। इस बड़ी लीग में अलग अलग टीमों के कई खिलाड़ी इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। दोस्तों अगर संक्रमित खिलाड़ियों की बात की जाए तो इनमें अमित मिश्रा और रिद्धिमान शाह का नाम आता है। केकेआर के भी दो खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर का नाम है। सीएसके खेमे की बात करें तो सीएसके खेमे से काशी विश्वनाथ और बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दोस्तों इनके अलावा देवदत्त पड्डिकल, डेनियल सैम्स, एनरिच नॉर्थजे, अक्षर पटेल, नीतीश राणा, किरण मोरे आदि सहयोगी स्टाफ और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि आईपीएल 2021 को अगली तारीख आने तक स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया लौटने वालों को जेल न भेजा जाए, सरकार से आदेश वापस लेने की गई अपील। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट से मंगलवार को भारत से देश लौटने की कोशिश करने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को जेल की सजा और उन पर जुर्माना लगाने का आदेश तत्काल वापस लेने का मंगलवार को अनुरोध करते हुए कहा कि इससे समुदाय में संकट पैदा हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इतिहास में पहली बार हाल ही में स्वदेश लौटने से पहले भारत में 14 दिन का वक्त बिताने वाले अपने नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने उन्हें 5 साल के लिए जेल में बंद करने या फिर 50,899 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दे दी है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष उमर खुर्शीद ने कहा कि भारत से आने वाले विमानों पर रोक लगाने के फैसले में एसोसिएशन ने सहयोग दिया ताकि बढ़ते खतरे के लिए देश में होटल में पृथक रखने की व्यवस्था तैयार की जा सके। सरकार को भारत से लौट रहे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के संक्रमित होने का खतरा दिख रहा है, लेकिन अब सरकार की यह घोषणा उन पर ही उल्टी पड़ रही है। कई सारे संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार इस फैसले को वापस ले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी कोरोना वायरस की थर्ड वेव, महाराष्ट्र से होगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में देश के युवा ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, जबकि इससे पहले पिछले साल आई पहली लहर के दौरान कोरोना संक्रमण ने बुजुर्गों को अपनी चपेट में लिया था। अब कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह माना जा रहा है कि जुलाई में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और वह छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगी। इस दौरान 12 साल से कम उम्र के बच्चे वायरल के प्रकोप से सबसे अधिक संक्रमित हो सकते हैं। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही होने वाली है। हालांकि अभी इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स की एक राय नहीं बन पाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी है। असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा के उत्तरी तट, तमिलनाडु तथा केरल में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, पूर्व और मध्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और लक्षद्वीप में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी तट, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, शेष ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों तथा पंजाब और हरियाणा में चल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए क्या है आज सोने के दाम। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों की आज बात की जाए तो सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्की गिरावट देखने को मिली है। आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,661 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी भी गिरावट के बाद 68,988 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,788 प्रति ओंस जबकि चांदी $26.90 प्रति ओंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंतरिक्ष में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ 21 टन का चाइनीज रॉकेट, कई देशों पर मलबा बरसाकर मचा सकता है तबाही। जी हां दोस्तों, चीन की वजह से दुनिया को कोरोना का सामना करना पड़ा। कई देश देखते ही देखते लाशों के ढेर में तब्दील हो गए। इसके बाद भी आज तक चीन ने नहीं माना कि उसने कैसे इस वायरस को दुनिया में फैलाया। अब चीन द्वारा लॉन्च एक रॉकेट तबाही मचा सकता है। चीन ने 29 अप्रैल को स्पेस में लॉन्ग मार्च रॉकेट लॉन्च किया था। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का कंट्रोल इससे हट गया है। ये रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर टूट गया है और आसमान से इसके बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। ये टुकड़े धरती पर कई देशों पर बरस कर तबाही मचा सकते हैं। जोनाथन मैकडोवेल, जो स्पेस की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, ने स्पेस न्यूज को बताया कि चीन का रॉकेट टूट चुका है। इसका मलबा अंतरिक्ष में फैला हुआ है और ये तेजी से धरती की तरफ गिर रहा है। जोनाथन ने मलबे की हालत देखकर कहा कि ये धरती पर बरस कर कई देशों में तबाही मचा सकता है। जिन देशों को ये मलबा निशाने पर लेगा उसमें न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बीजिंग, चिली और न्यूजीलैंड का कुछ हिस्सा शामिल है। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का 100 फुट लंबा रॉकेट 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे गिर रहा है। इसके टुकड़े कहीं भी गिर सकते हैं। हो सकता है कि यह भारी जनसंख्या वाली जगह पर गिरे या ऐसा हो सकता है कि यह किसी खाली जगह पर गिरे। एक्सपर्ट्स लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। चीन ने लॉन्ग मार्च B5 को 29 अप्रैल को लॉन्च किया था। इसके जरिए चीन अंतरिक्ष में नया स्पेस स्टेशन बनाना चाहता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल, सड़कें टूटी, लोगों के घर में घुस गया बाढ़ का पानी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर बादल फटने से भारी नुकसान की खबरें सामने आई है। सबसे ज्यादा नुकसान विकास खंड महला की कुनेड़ पंचायत में हुआ है। यहां मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से सड़कें टूट चुकी है और लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं रास्ते में खड़ी गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई है। दोस्तों अधिकारियों ने बताया है कि प्ल्यूर, किलोड, कुनेड़ पंचायतों के दर्जनों गांव इस मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोनी, दलोथा, बन्नी और कुनेड़ गांव में जहां गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा, वहीं हाल ही में बोई गई मक्का की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। चंपा भरमौर नेशनल हाईवे भी कई जगहों पर अवरुद्ध हो चुका है। हालांकि अभी तक किसी तरह की जान की हानि की खबर नहीं मिली है, लेकिन खबरें हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के घरों में पानी भर गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार का सबसे प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर दोस्तों आपका जवाब हमें पसंद आता है तो आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।